जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है मछुआ आवास योजना। गव्य विकास के लिए गुमला में चलाया जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। और हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया। और अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय द्वारा लोहरदगा जिला में मछुआ आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 11 मई 2015 है। इसके लिए जो व्यक्ति मछली पालन व्यवसाय से जुड़ा हो, पहले किसी भी आवास योजनाओं से लाभ नहीं लिया हो, पक्का मकान न हो लेकिन निजी जमीन हो, वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिला गव्य विकास विभाग गुमला की ओर से जिले में गव्य विकास संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना से लाभ लेने के लिए वैसे ग्रामीण जो साक्षर हो, जिले के स्थायी निवासी हो, दूध उत्पादक हो या इस व्यवसाय से जुड़ने के इच्छुक हों, या युवा शिक्षित बेरोजगार हों और पिछले 3 वर्षों में किसी भी संस्थान से गव्य विकास का प्रशिक्षण नहीं लिए हों, उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिला गव्य विकास पदाधिकारी कार्यालय पलामू में मई 2015 से मार्च 2016 तक किया जा सकता है। जो किसान गर्मा धान की खेती कर रहे हैं, वो अभी अपने खेतों से अविलंब खरपतवार निकाल लें। इसके बाद 20 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। ध्यान रहे, नेत्रजन डालने के समय खेत में नमी रहना जरूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि खेतों में उगे खरपतवार फसल के बढ़वार में बाधक होते हैं, इसलिए खड़ी फसल से खरपतवारों को निकालना जरूरी होता है। लेकिन इस समय गर्मा धान लगे खेतों में नेत्रजन डालने से पहले खरपतवार निकालना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि धान के लिए डाले गए नेत्रजन का जरूरी हिस्सा ये खरपतवार अवशोषित करेंगे और धान के पौधों को नेत्रजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिल पाएगी। अभी गर्मा धान में जो किसान भाई गर्मा धान की खेती किए हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे कि खेत में काफी सारे खरपतवार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप यथाशीघ्र खेत में से खरपतवार को निकालने की कोशिश करें और निकालने के बाद उसमें सिंचाई करके और 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन का भुरकाव करें। ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन का भुरकाव तभी करें जब खेत में नमी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। राज्य के जो किसान हल्दी की खेती करना चाहते हैं, वो मई से जून तक फसल लगा दें। अधिक उपज पाने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेदों का ही चयन करें। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अगर हम हल्दी की खेती करना चाहते हैं, तो हल्दी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो समय है वो है अप्रैल मई या मई जून, और जो किस्म इसके लिए सबसे उपयुक्त है वो राजेंद्र सोनिया है। किसान भाई इसको अपना सकते हैं और अपना जो आमदनी है, अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि इसकी भी उपज 300 क्विंटल से ऊपर ही होती है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में क्या देखें? मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारियाँ। हम लोग वही वाला एकदम याद हो गया, नहीं बार बार वही वाला। अरे नहीं, वाकई हम इनको दिखाते हैं। और चूंकि दिखाते हैं तो वही बोलेंगे, अब थोड़े बोलेंगे कि मेला घूमने गए थे। लेकिन भाई आप जो देखे कृषि समाचार हम लोग दिखाते हैं कि उसका फायदा उठाया जाए, बेहतर तकनीक भी दिखाते हैं, उपकरण भी दिखाते हैं और बहुत सारी बात बताते हैं। और दो बात आज बताने वाले हैं, बताएं। आइए विराम ले लिया। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत करते रहते हैं। अरे क्या दिक्कत है स्वागत करने में? कुछ बेचारे किसान भाई बहन इतने बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप बेचारे क्यों बोले? क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं। अच्छा, ठीक है। कि कब आएंगे मंगरा भाई, कब आएंगे खेत की भौजी। अच्छा तो एक बार फिर से जोहार हो गया। हाँ अब बताइए क्या है आज का कार्यक्रम में जानकारी वाला बात? आज हम जानकारी देने वाले हैं किसान भाई बहनों को। सबसे पहले ये बताइए, आपने अभी बोला था कि दो बातें बताएंगे, तो आप बताइए कि कौन सी बात बताएंगे? फिर वही बतिया, जैसे हर बार होता है कि एक बार बताते हैं, फिर संदेश दिखाते हैं, फिर आ जाते हैं कुमार जी। तो पहला बार जो बात बताया जाएगा हम बता दें, पहले दूसरा वाला से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर कुमार जी क्या बताएंगे? अरे ये बात तो सही है, चलिए पहले ही बताते हैं। टमाटर का हम लोग खेती करते हैं, टमाटर फसल लगाते हैं, बहुत सारा रोग व्याधि हो जाता है और बहुत सारा कीट लग जाता है। तो यहाँ पर हम रोग व्याधि के बारे में नहीं, कीट प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, और वो भी समेकित कीट प्रबंधन, यानी कि एकदम समग्रता के साथ कैसे कीट प्रबंधन किया जाए। और बात सही भी है कितकी भौजी, हमारी एकदम जो दुनिया भर का टमाटर लगा दिए, भाई किड़वन सब सब जो है एकदम जाता है, बर्बाद कर देता है। क्यों गलत बोले क्या भाई? नहीं सही जानकारी, खा जाता है। अब उस समय मिजाज कैसा किचकिचा जाता है? तो मिजाज ना किचकिचाए, उस किचकिचाहट से बचने के लिए ही तो हम आए हैं। आप आए हैं? हम अपने विशेषज्ञ से इनको जानकारी दिलवाने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से। विशेषज्ञ कौन है? आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीके सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि टमाटर में समेकित कीट प्रबंधन किस प्रकार से की जाए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को ये बताए कि अक्सर देखा जाता है कि शुरू से ही टमाटर में कीट का प्रकोप शुरू हो जाता है जी। तो वैसी स्थिति में किसान भाई क्या करें कि टमाटर जब लगाते हैं उस समय से क्या प्रक्रिया अपनाएं कि कीट का प्रकोप कम से कम हो? देखिए, जब से टमाटर का जब से संकर प्रजाति आई
और हमारे झारखंड राज्य में पूरे सीजन में मैंने करीब करीब सालों भर टमाटर को लगाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कीट को खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ टमाटर मिलते रहता है, इसलिए कीट की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में जब हम टमाटर की खेती करते हैं तो कुछ हम लोग निश्चित तौर पर कुछ अगर क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से करें, बीज बोने से लेकर के फसल तैयार होने तक अगर विभिन्न स्टेज में फसल के विभिन्न स्टेज में अगर हम लोग कीट प्रबंधन की समुचित विधियाँ अपनाएं तो इससे काफ़ी लाभ होगा। डॉक्टर साहब, जानकारी तो अच्छी दी, ये शुरू से क्या क्या कीट का प्रकोप होता है, तो ये बताएं कि कौन कौन से कीड़े इसके प्रमुख होते हैं जो इस पर प्रभावी ढंग से प्रभाव डालते हैं। खास करके हमारे झारखंड में खास करके जो मुख्यतः कीड़ा जो है टमाटर में जो लगता है, जो लगाते के साथ एक कीड़ा लगते हैं जो फल पत्तियों से रस चूस लेते हैं, मुलायम तना से रस चूस लेते हैं, इसमें खास करके आपका थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है और माहू है। एक तो यह कीड़े हैं जिससे पत्तियों से रस चूस लेते हैं, तो इसलिए पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और इस टमाटर के उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा जो मुख्य कीड़ा यहाँ पर लगता है वो फल छेदक कीड़ा है, जो टमाटर जैसे तैयार होता है, जैसे फूल निकलना शुरू हो जाएगा उसी समय से वो कीड़ा वो सक्रिय हो जाता है, और जैसे फूल तैयार होता है, फल तैयार हो जाते हैं, तो उसी में वो छेद कर देते हैं। छेद करने से कभी कभी होता है तो किसान भाई एक सर्कुलर छेद भी देखेंगे टमाटर के फल पर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हल्का सा भी वो अपने छेद कर देते हैं तो वहाँ पर काला पड़ जाता है और जो फल बनता है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, जिससे कि उनका बाजार भाव बहुत ही नहीं के बराबर मिलता है और उससे किसान भाई को काफ़ी हानि होती है। तो खास करके मुख्यतः दो तरह के कीड़े हैं जो पत्तियों से रस चूसने वाले और फल को छेद करने वाले कीड़े इस राज्य में ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो आप जो बता रहे थे दो तरह के कीड़े बताए, तो इनको हमारे किसान भाई कैसे अपने फसल पर बचाव करेंगे रसायन का उपयोग न करते हुए? जी, सर्वप्रथम मैं किसान भाई को यह कहना चाहूँगा कि कीटनाशक का प्रयोग करना एक आवश्यक बुराई है, और खास करके सब्जियों में जो कि हम लोग उसको खाते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई शुरू से ही अगर वो कुछ ध्यान दे तो काफ़ी उनको लाभ होगा और शायद कीट लगाने की मतलब कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब किसान भाई सबसे प्रथम अगर वो टमाटर को लगाते हैं तो उसको बीज जो बिचड़ा लगाते हैं पौधे को उसको आप उपचार कर लें। उमीडा क्लोरोपीड की एक दवा आती है, उसके 3 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिला लें। मिलाने के उपरांत जब टमाटर का बिचड़ा आप लगाने जाते हैं तो उसको 3 घंटे के लिए उसके जड़ को वो डुबो दें। जड़ को डुबो देंगे तो इसको उसके बाद लगाने के बाद ऐसा होगा कि पहले 1 महीने तक फल से जो पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका प्रकोप कम होता है। और खास करके किसान भाई टमाटर के खेत में अगर 250 किलोग्राम नीम की खल्ली अगर उनको उपलब्ध हो जाए या करंज की खल्ली हो जाए तो वो प्रत्येक जहाँ पर लगाते हैं तो उसको थोड़ा सा लगा करके लगाने से ये होता है कि बहुत सारे कीड़े जो भूमि में रहते हैं उससे नियंत्रण रहता है। और खास करके उस नीम की खल्ली में कुछ पोषक तत्व भी हैं, कार्बन, नत्रजन, पोटास और फॉस्फोरस, वो भी पौधों को मिल जाता है और भूमि में लगने वाले कीड़ों से निजात मिल जाता है। और जैसे किसान भाई जब टमाटर लगा दिए उसके उपरांत भी अगर देख रहे हैं तो कभी कभी देखेंगे पत्तियां कुकुड़ से जाती है, तो वो जो उसका जो होता है मतलब वो पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़े हैं उसी से उसका मतलब पत्तियां सिकुड़ जाती है और वो खास करके कभी कभी बीमारियां फैलाती है। अगर जो सफ़ेद मक्खी है अगर एक बीमार पौधे को खाएगी दूसरे पर जाएगी तो वो भी बीमारी फैला देती है। तो ऐसे स्थिति में किसान भाई लगाने के 30 दिन के बाद अगर नीम बीज कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है कि 1 किलो नीम की बीज को चूरा बना करके 20 लीटर पानी में डुबो दें, उसे सुबह छान के छिड़काव करें, तो इससे अगर शुरू में कर देते हैं हम लोग तो बहुत सारे रस चूसने वाले कीड़े हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी बीमार पौधे दिखते हैं उसे आप उठा के निकाल दें, और जैसे तो इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। अगर किसान भाई के पास इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है नीम बीज की तो वो इमीडा क्लोरोपीड की जो दवा जो होती है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको आप छिड़काव कर दीजिए। इससे ये होगा कि जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं वो मर जाएंगे और पौधों में टमाटर में बीमारियाँ भी नहीं फैलेगी। और दूसरा मुख्यतः जो कीड़ा यहाँ पर लगता है खास करके फल छेदक समूह का कीड़ा, वो बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। जब फल ही पर ही दाग आ जाएंगे या टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो किसान को बाजार भाव उचित नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ दिखते हैं जब 50% फूल निकलना शुरू होता है तो किसान भाई ट्राइको कार्ड होता है उपलब्ध है, वो 5 ट्राइको कार्ड मतलब 1 ट्राइको कार्ड पर 20,000 परजीवी अंडे होते हैं मित्र कीट के, उसको आप लगा दें और उसको 5-6 बार लगा दें सप्ताह के अंतराल पर, तो इससे भी होता है कि फल छेदने वाले कीड़े का काफ़ी प्रकोप रुक जाता है। और दूसरा किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि एक गंध पास आता है उसको भी लगाएं, फेरोमोन ट्रैप्स,
5 गंधपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा दें। इससे किसान भाई को यह फायदा होगा कि वो देखेंगे कि अगर गंधपास में ट्रैप में कीड़े आकर फंस रहे हैं तो वो जान जाएंगे कीड़े का प्रकोप हो रहा है, तो उस पर अब दवा छिड़कने की जरूरत है। तो इस तरह से भी करने पर किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। और सबसे मुख्य बात है, अगर जो किसान भाई अभी अगर टमाटर लगाने जा रहे हैं तो वो भी अगर ऐसा करें कि 14 लाइन टमाटर के लगाएं और 1 लाइन गेंदा फूल के लगा दें तो भी उसके प्रकोप उसको कर देने से भी बहुत सारे कीट का प्रकोप नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर किसान भाई करेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा। आप ट्राइको कार्ड की बात बता रहे थे, ये ट्राइको कार्ड मिले है कहाँ और कब इसको लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे या फसल जब बड़ा हो जाएगा तब लगाएंगे? देखिए, ट्राइको कार्ड जो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जैविक इकाई है, कीट विज्ञान विभाग में बनता है, आप किसान भाई वहां से भी उसको ऑर्डर दे करके उसको खरीद सकते हैं। ये ट्राइको कार्ड एक मित्र कीट के अंडे होते हैं, उससे वो निकल करके कीड़े निकलते हैं, दुश्मन कीट के अंडे को वो समाप्त कर देते हैं। तो इसको लगाने का सबसे सही अच्छा उचित समय ये है जब फसल में फूल निकल रहा हो, क्योंकि फूल निकलते समय ही फल छेदक कीड़ा जो सक्रिय होता है उसको आप लगा देंगे तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और उसको लगाते समय यह ध्यान रखें कि शाम के समय में पत्तियों के नीचे में लगाएं ताकि ऊपर सीधे धूप ना पड़े, तो उससे भी किसान भाई को काफ़ी लाभ हो जाएगा। एक चीज़ और बताए तो गंधपास के बारे में, जी ये होता क्या है? ये एक फेरोमोन्स होता है, एक खास करके एक तरह का जैसे है कि कीट जो है गंध निकालता है, तो इसमें जो है मादा कीट का गंध निकलता है, एक ल्यूर जो होता है, तो नर कीट समझता है कि वो गंध निकल रहा है तो वो सोचता है कि मादा कीट वहाँ पर है, तो नर कीड़ा आकर के गंध के प्रति आकर्षित होकर के उसमें आकर के फंसते चला जाता है और उससे काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। अगर नर कीड़े आकर के उसमें फंस जाएंगे तो वो उससे है, तो ये होता है कि बहुत सारे जो मादा कीटे जो अंडे देते हैं वो जस्ट लाइक उससे अंडे उससे सूंडी नहीं निकलते हैं, वो अनफर्टाइल एग होते हैं। और इस तरह से किसान भाई उससे मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि पता लग जाता है। अगर हम लोग मास ट्रैपिंग कर दें, बहुत सारे लगा दें, तो बहुत सारे नर कीड़े आकर फंस जाएंगे और इससे भी काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि नर कीड़े जो हैं इधर उधर उड़ते हुए बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और आकर के लास्ट में फंस के मर जाते हैं, तो उससे भी काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। चलिए, डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाई को अच्छी जानकारी दी और यहाँ आए, अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। किसान भाइयों को नमस्कार, जोहार। और सभी किसान भाई को मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपना कर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75-85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30-50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। कुमार जी, जोहार। जोहार जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। क्या बात है, एकदम आज पूरा एकदम झिल्ली झाड़ बढ़िया लग रहा है ना, एकदम झारखंडी कलर पहने हैं। चलिए, तो बढ़िया जानकारी भी लेकर आए। अच्छा, यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे भाई, झारखंडी कलर क्या होता है? हम झारखंड में हम सब हैं तो हम झारखंडी हुए। देखिए, झारखंडी कलर कहने का मतलब है कि हमारे झारखंड की पहचान पूरे विश्व में हरियाली से है। हरियाली यानी कि हरा भरा, और सबसे हरे भी है और भरे भी है हमारे कुमार जी। तो कुमार जी, आज फटाफट आप जानकारी दिया जाए। किसान भाइयों, अगर आप सुकर पालन करते हैं तो गर्भधारण के समय आपको खास एहतियात बरतने की जरूरत है। शुक्रों के गर्भधारण के समय? जी बिल्कुल जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और इसी दरमियान हम आज आए हुए हैं सुकरी में प्रजनन प्रबंधन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो पहले ये प्रजनन प्रबंधन है क्या और उसको किस तरह से किसान करे, इसके बारे में कुछ बताएं। प्रजनन प्रबंधन हर पशुपालन में एक मुख्य अवयव होता है, क्योंकि पशुपालन जो किया जाता है उसमें सुकर हो या अन्य कोई पशु में प्रजनन सबसे प्रमुख विषय हो जाता है कि सही समय पर उसको तैयार करना, प्रजनन के लायक बनाना, फिर सफलतापूर्वक प्रजनन कराना, अधिक से अधिक बच्चे होना, बच्चे माँ के साथ स्वस्थ रहें और जब वो बड़े हों तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को बड़े बच्चे मिलें और उनको या तो वो लोग विपणन करें, बेचें, या फिर उसको अपने फार्म में रख के पालन करें और आय का ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो,
यही उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया प्रजनन प्रबंधन के बारे में, लेकिन हम अगर झारखंड के प्रदेश में बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं जो वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते और ग्रामीण परिवेश में भी सुकर का वो पालन करते हैं, तो उनके लिए किस तरह से कर सकते हैं इस तरह प्रजनन प्रबंधन की अगर हम बात करें तो वो किन बातों का ध्यान रखें? प्रजनन प्रबंधन में शुरू से ही किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जब वह नए पशु को खरीदते हैं, बच्चों को खरीदते हैं, तो यह बात का अवश्य ध्यान दें कि जिस सुकर बच्चों को वो खरीद रहे हैं वो अच्छे फार्म से हों, अच्छे नस्ल के हों, खास करके वहीं पे चूक हो जाती है किसानों से, और बच्चे के जो बच्चा वो खरीदते हैं उसके माने मादी और नर, माँ और उसके पिता का भी एक आंकड़ा लेने की आवश्यकता पड़ती है, हिस्ट्री जानने की आवश्यकता है कि वो मादी है तो अधिक बच्चा देने वाली हो, और अधिक बच्चे के साथ उसको परवरिश करके बड़ा करने की क्षमता भी उसमें हो। तो इससे होता है कि जो नर बच्चा भी वो बड़ा होगा तो अच्छा नर बनेगा, और मादी बच्चा भी जो बड़ी होगी तो वो एक अच्छी मादी या एक अच्छी माँ बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करेगी, स्वस्थ बच्चा करेगी। इसको ध्यान देने की आवश्यकता किसान भाइयों को पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि नस्ल और अच्छे उत्पादक पशुओं की चुनाव, यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु होगा उसका रखरखाव। रखरखाव के लिए भी समुचित व्यवस्था किसान के आवास में घर पे होना चाहिए। जैसे कि जब छोटे बच्चे वो लेते हैं तो उसके खाद्य, उसके भोजन का जो प्रबंधन है वह अनिवार्य है। भोजन में किस अवस्था में कैसी भोजन उसको मिले, ये चीज़ किसानों को जानने की आवश्यकता है। खास करके बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, तो उसके भोजन में प्रोटीन के जो स्रोत हैं उसको वो ज़रूर मिलाएं। जैसे कि प्रोटीन के स्रोत में हम लोग दो तरह का देखते हैं, एक खाद्य स्रोत है और एक पशुजनित स्रोत है। उसमें मछली का चूर्ण हुआ, मांस हुआ, या दूध से दूध के उत्पाद हुए, इसका वो लोग सम्मिलित करें, या फिर बादाम, तिल या सरगुजा वगैरह के खली का वो लोग व्यवहार करें, मकई या चावल इसके दर्रा के साथ। ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि ग्रामीण जो है सबसे पहले तो नस्ल का चुनाव करें, एक अच्छी नस्ल हो और उसका उचित रखरखाव करें। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ बात निकल के आती है कि हमारे ग्रामीण जो छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो उनको बालिग होने तक या उनको जब वो कंसीव करें तो उस दरमियान किस तरह की बातें का ध्यान रखें वो, और उनके प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से उनका प्रबंधन करें, किस तरह से उनका रखरखाव करें? पहले तो सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है कि उसका जो प्रजनन योग्य उसके पशु हुए हैं या नहीं। अगर हम लोग मादी की बात करें तो उसमें ये देखना है कि उसका शारीरिक विकास किस तरह का हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि 9 महीने 10 महीने से पहले उसको प्रजनन में ना लाएं। ऐसे देखा गया है कि अगर ढंग से किसान रखते हों और शरीर का अच्छा विकास है तो 6 महीने के बाद वो गर्म हो सकती है या पाल खाने योग्य हो सकती है। लेकिन किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहेंगे कि वह 9 से 10 महीने के बाद ही एक मादी सुकरी का प्रजनन के लिए प्रयोग करें। और नर में भी किसान चूक कर बैठते हैं। एक नर परिपक्व होने में करीब 18 महीने का उसका समय लगता है, तो मेरा यह सुझाव उनको रहेगा कि एक परिपक्व नर का ही इस्तेमाल करें प्रजनन के लिए, नहीं तो अपरिपक्व नर से बच्चे कमजोर होने की के संभावना काफ़ी रहते हैं, फिर बच्चों की संख्या में भी कमी आ जाती है। और ये इन बातों को विशेष ध्यान देंगे। प्रजनन के समय एक मादी को भी वो आहार व्यवस्था करें, अच्छे भोजन और संतुलित आहार से देखा गया है कि बच्चे के संख्या में और बच्चे के स्वास्थ्य में दोनों में वृद्धि पाई गई है और बच्चे में मृत्यु दर कम पाया गया है। और नर के भी खाद्य और प्रजनन के समय नर के भी भोजन का संतुलित इस्तेमाल करें ताकि उसके भी बीज का ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस हो और उससे वह प्रजनन सफल हो। ये दोनों चीज़ों का किसानों को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रजनन के लिए जो उचित समय है अगर उसको देखें तो वो जो गर्मी का काल है वो 36 से 48 घंटे तक, किसी किसी में 72 घंटे तक का देखा गया है। तो हम लोग कहते हैं कि 12 घंटे का बाद, 12 घंटे गर्मी के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके बाद ही प्रजनन हो तो प्रजनन काफ़ी सफल होता है। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि एक मादा को तैयार होने में
9 महीने का समय लगता है और एक जो नर है उसको तैयार होने में 18 महीने का समय लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को ये बताएं कि जो गर्भकाल का समय है उसमें उनका किस तरह से रखरखाव करें, किस तरह से उनको भोजन दें, कैसे उनकी देखरेख करें। सफल प्रजनन है उनका मेल होने से 112 से 116 दिन के बीच, औसतन 114 दिन का गर्भकाल होता है। उस गर्भकाल अवस्था में उनको रखरखाव की समुचित तैयारी की जानी चाहिए किसानों के द्वारा। शुरुआती में उनका भोजन संतुलित और नियंत्रित हो, तो ऐसे बातों को ध्यान दें और प्रसव से पहले और प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको समुचित तरीके से किसान अगर करें तो उनका जो या प्रजनन संबंधित जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप क्या बोलने वाली हैं? कुछ लग रहा है, कुछ बोलिए ना आप। नहीं, जानकारी बहुत अच्छी थी। हाँ। यही कहना चाह रहे थे कि हमारे जो किसान भाई बहन पशुपालक में खासकर सुकर पालक हैं, वो इन बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है सो ज्यादा मुनाफा चाहते हैं, ज्यादा फायदा चाहते हैं, तो इसमें सबसे अहम बात यही है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा स्वस्थ होंगे, जितना अधिक उनका वजन होगा, तो ये सब निर्भर करता है पहले से ही। जी बिल्कुल। तो ये बात हमारे विशेषज्ञ बंधु ने हमें बताया, आप इनका पालन करें और अधिक से अधिक इसका लें, फायदा लें। तो अब देखिए। नहीं देखिए मत, अब इजाजत लीजिए। इजाजत लें? बिल्कुल। तो ठीक है, दीजिए इजाजत। कागज कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत अवश्य लिखिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की परेशानी हो या सुझाव देना हो या फिर कोई समस्या का समाधान आप चाहते हो तो आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम ये कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।